अब फ्रेंड्स हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। यानी लीडिंग डायगोनल जो होता है हमारे पास, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल होता है उसके ऊपर के अगर एलिमेंट सारे जीरो हैं, नीचे के एलिमेंट जीरो हैं या नॉन जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज इसमें जैसे इसमें देखें तो हमारे पास इसमें ए सो टू टू से ऊपर के जो एलिमेंट है ये जीरो है। इसी तरह सिक्स से ऊपर का जो एलिमेंट है ये हमारे पास है, ये थ्री थ्री से ऊपर के एलिमेंट जो है वो जीरो है। इसी तरह ए फोर फोर के एलिमेंट जो है वो जीरो है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो ये मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट जो बनते हैं वो रिजल्ट बनते हैं, जैसे अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों तरह का मैट्रिक्स होता है। अगर साथ में ही हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, जिनकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हमारे पास, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों तरह का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो ऊपर के एलिमेंट है ये जीरो हैं तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फ्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज को हम एक साथ में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।